तो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि हमारे चैनल ने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने नहीं सोचा था कि 100 सब्सक्राइबर मैं अपने 30 डेज चैलेंज के अंदर कंप्लीट कर लूँगा। एक टाइप से ये मैंने चैलेंज चालू किया था जिससे मैं अपना वीडियो जो डालता हूँ वो उसका रेगुलरिटी बढ़े और मेरे चैनल पर वीडियोज़ और आएँ। और उसी के बीच में आप लोगों ने 100 सब्सक्राइबर करवा दिए। मैं थोड़ा लेट हो गया, मतलब 2 दिन पहले हो चुके थे, पर मैं वीडियो बना नहीं पाया था, मैं थोड़ा बिजी था। तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि मैं फुल डे, मतलब जो अपना पूरा दिन है उसमें क्या खाता हूँ। तो ये एक वीडियो होने वाली है, फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो होने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं जानने के लिए कि मैं दिन में पूरा अपने पूरे दिन में क्या खाता हूँ। और आपको अगर उसको कॉपी करना है, कॉपी मेरे मानिए, कॉपी ना करिए उस वीडियो, मतलब जो मैं खाता हूँ उसको। आप क्या कर सकते हैं, आप उससे मतलब कुछ कुछ मील ऐसा कर सकते हैं, हाँ कि मैं ये मील अपनी ऐड कर सकता हूँ। आप जो कंफर्टेबल हैं जैसे खाने में, जैसे आप चिकन नहीं खाते, मीट एग्स नहीं खाते, तो आप उसको वेजिटेरियन सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे पनीर हो गया, छोले वगैरह हो गए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं मील को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे मील नंबर 1 पे। तो ये है हमारा फर्स्ट मील। फर्स्ट मील में मैं लेता हूँ अपना मास गेनर शेक, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल चुका हूँ चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फर्स्ट मील में सिर्फ मैं मास गेनर शेक लेता हूँ क्योंकि क्या है, ये बहुत सिंपल रहता है बनाना और बहुत ही आसान है। तो अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए मैं आई बटन पर डाल दूंगा। और अब हम चलते हैं अपने सेकंड मील की तरफ। तो अब है हमारा सेकंड मील। सेकंड मील में मैं लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, 4 ब्रेड हैं। 4 ब्रेड ले लेता हूँ मैं, ब्राउन वाइट मैं नहीं देखता क्योंकि दोनों में मैदा होता है, दोनों नॉर्मल है, बस वेट गेन चाहिए मुझे। तो मैं लेता हूँ 4 ब्रेड्स और मैं लेता हूँ उसके साथ 2 चम्मच पीनट बटर, तो मतलब ब्रेड्स के अंदर ही लगा है। और जैम लगा लेता हूँ मैं कभी कभार फ्लेवर के लिए। तो ये होगा हमारा सेकेंड मील। इसके भी कैलोरीज मैं डाल दूंगा यहाँ पे ही, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने थर्ड मील की तरफ, जो होगा हमारा लंच। पहले था हमारा ब्रेकफास्ट में हमने लिया था शेक, सेकंड था हमारा ये जिसमें है, ये हमारा मॉर्निंग स्नैक होगा एक। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर 2 घंटे बाद खा पाऊँ, जिससे क्या रहता है, जिससे वेट गेन करना और आसान हो जाता है। तो मिलता हूँ मैं आपसे थर्ड मील पे। तो थर्ड मील हमारा रहेगा, इसमें है हमारे 30 ग्राम सोयाबीन, 100 ग्राम रोटी और दाल है ये 250 ग्राम और राइस है 200 ग्राम। तो अब आएगा हमारा फोर्थ मील। फोर्थ मील रहेगा प्री वर्कआउट मील। प्री वर्कआउट मील में मैं क्या लेता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने वीडियो डाल चुका हूँ पहले प्री वर्कआउट की, चीपेस्ट प्री वर्कआउट, उसमें मैं लेता हूँ कॉफ़ी एनर्जी के लिए और 2 केले। 2 केले मैं क्यों लेता हूँ, जिससे क्या मुझे सिंपल कार्ब मिले जो जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। मैं ये मील कंज्यूम करता हूँ वर्कआउट से आधा आधा घंटा 45 मिनट पहले। तो आप भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये डाइट प्लान पूरी तरह से फॉलो करना है जैसा मैं करता हूँ तो आप कर सकते हैं, पर आप ये देख के करिए कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज वगैरह कितनी है। तो उसकी भी मैंने वीडियो डाल दी है, वो मैं लिंक डाल दूंगा, कल ही डाली थी। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपने जिम के बाद, मिलूंगा मैं आपसे अपने पोस्ट वर्कआउट मील पे। तो मैं जिम से लौट के आ चुका हूँ और मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं। मैं ये है मेरा, देखो ये है मेरा पोस्ट वर्कआउट मील, इसकी वीडियो मैंने कल ही डाली है, अगर आपको देखनी है तो मैं लिंक डाल दूंगा। इस ये है 3 मतलब 3 पूरे अंडे, 3 whole eggs बॉयल्ड है और 150 ग्राम आलू बॉयल है, ये भी दोनों चीज़ें बॉयल है। ये मैं इसको फिनिश करता हूँ जब तक आप वाली वीडियो देखो, लिंक आ गई होगी। तो अब है हमारा लास्ट मील जो रहेगा चिकन एंड राइस। मैं कभी कभार चिकन लेता हूँ, कभी कभार पनीर छोले, मतलब ऐसे लेता हूँ जिसमें प्रोटीन ज़्यादा रहे। तो हमारा लास्ट मील है चिकन एंड राइस, जिसमें रहेगा हमारा 300 से 400 ग्राम कुक्ड राइस, मतलब 300 से 400 ग्राम बने हुए, मतलब चावल बन जाते हैं वो। और रहेगा हमारा चिकन, चिकन रहेगा हमारा लगभग लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम तक चिकन रहता है मेरा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अब मैं इसको फिनिश करता हूँ और इसके बाद हमारा लास्ट मील रहेगा, वो मील नहीं कहूँगा, वो बस मैं 1 ग्लास दूध पीता हूँ। तो उसकी भी कैलोरीज में डाल दूंगा और इसकी भी कैलोरीज में डाल दूंगा। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा फुल डे ऑफ ईटिंग। तो मैं मिलूंगा कल आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं मिलूँगा आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।